नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल नंदन, और आप देख सकते हैं रात का नजारा पूरी लाइट से भरा हुआ है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने रामलीला कमेटी के मैदान में, जहां पे हमारी रामलीला का मंचन होना है। रामलीला मैदान प्रांगण में ही बहुत ही भव्य भगवान श्री राम जी का यहां पे एक मंदिर बना हुआ है। ये हमारी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी के द्वारा यहां पे रिबन काट करके शुभारम्भ किया। जितने भी हमारे गाँव के बुजुर्ग जन है, उन सभी का यहाँ पे बैच अलंकरण करके सम्मान किया जाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल नंदन करण होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन करण होमस्टे में। तो अभी मैं हूं अपने घर पे, और आज पंचम नवरात्रि, और पंचम नवरात्रि से हमारे ग्राम सभा सुनकिया में भव्य रामलीला का मंचन किया जाना है। और आज रात्रि 8 बजे से रामलीला प्रारंभ होने जा रही है। तो अभी शाम का समय है, मैं भी घर पर हूं। यहां से हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं रामलीला मंच की तरफ, जहां पे रामलीला का मंचन किया जाएगा। तो हमारे पहाड़ों में जो रामलीला होती है वो गायन शैली में होती है, जो श्री रामचरित मानस है उसके अनुसार रामलीला का मंचन किया जाता है नाटक रूप में। और जो चौपाइयाँ होती हैं उसी के अनुसार गायन शैली के रूप में डायलॉग्स डिलीवरी की जाती है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने गांव की रामलीला, और आज प्रारंभ है और लगातार मैं आपको अपने गांव की रामलीला का मंचन लगातार दिखाता रहूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। पहाड़ की रामलीला बहुत ही मनोरंजक होती है, बहुत ही आनंददायक होती है, और बहुत अल्टीमेट तरीके से यहाँ पे इनके गायन किया जाता है, मंचन किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी शाम का समय हो रहा है, तो गोधुली वेला इसे बोलते हैं, जिस समय सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य अस्त होने के पश्चात में गोल्डन स्काई दिखता है, वो वेला है, वो टाइमिंग ही है। और आप देख सकते हैं हमारे घर से बहुत ही बेहतरीन नजारा आज दिख रहा है। तो ये नजारे के साथ साथ ही मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ से अपने रामलीला मंच की तरफ। तो चलिए हमारे साथ में। तो अभी करीब 7:15 बज रहे हैं रात के, और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर से, और लगभग तैयारियां हो चुकी होंगी वहाँ पे, क्योंकि 8 बजे से रामलीला प्रज्वलन प्रारंभ होना है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी लाइट्स जल चुकी हैं, रात का समय है, और पूरी वैली जो है ना लाइट से भरी हुई है। तो चलिए चलते हैं, अभी बने रहिए मेरे साथ में। अभी हम रास्ते में, और आप देख सकते हैं रात का नजारा पूरी लाइट्स से भरा हुआ है, और ऐसा लग रहा है ना आसमान के तारे जो है जमीन पर आ चुके हैं। पूरी वैली लाइट से जली हुई है, लाइट से भरी हुई है, और चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं। जहां भी आप नजर मारेंगे ना लाइट्स ही लाइट्स नजर आएंगी। तो रात में ना पहाड़ों में बहुत ही बेहतरीन नजारा आता है। ये रास्ता है जो पगडंडी हमारे घर से जाती है रामलीला ग्राउंड की तरफ, और ये देख सकते हैं ऐसे रात में चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ में ना एक तो जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ से रास्ते से, दोनों तरफ घना जंगल और सन्नाटा एकदम। चलिए बने रहिए साथ में। अभी हम लोग खड़े हैं रोड में, और मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ जंगल के बीच में लाइट्स चल रही हैं। यही हमारा स्टेज है, यहीं पे हमारा रामलीला का मंचन हो रहा है। तो चलिए चलते हैं वहां पर, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने रामलीला कमेटी के मैदान में, जहाँ पे हमारी रामलीला का मंचन होना है। तो रामलीला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मंच के अंदर। इस तरह से यहाँ से स्टेप्स के थ्रू हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं, और नीचे हमारा स्टेज बना हुआ है जहाँ पे लाइट्स चल रही है, वहीं पे रामलीला का मंचन किया जाना है। तो चलिए आप भी मेरे साथ में, आपको ले चलता हूँ मंच की तरफ। और आज जो है प्रथम दिवस है, तो प्रथम दिवस की रामलीला का मंचन यहाँ पे होने वाला है। ये हमारा स्टेज है, तो आज प्रथम दिवस है, इसलिए पुलिस की टीम यहाँ पे, प्रशासन की टीम आई हुई है सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए, क्योंकि रात्रि का समय है तो ऐसे में इसकी जरूरत पड़ती है। रामलीला मैदान प्रांगण में ही बहुत ही भव्य भगवान श्री राम जी का यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। चलिए मैं आपको चल के अंदर दर्शन कराता हूँ। बहुत ही भव्य यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता रानी, और भगवान लक्ष्मण जी, और साथ ही साथ में हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। ये देख सकते हैं बहुत ही भव्य दर्शन है यहाँ पे भगवान के। तो इनके दर्शन करने के पश्चात आपको मैं ले चलूंगा अपने गाँव की रामलीला के मंचन में। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हमारी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी के द्वारा यहाँ पे रिबन काट करके शुभारंभ किया जा रहा है रामलीला मंचन का। तो इस तरह से यहाँ पे शुभारंभ किया जा रहा है।
रिबन कटने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र की आरती होती है और आरती के पश्चात ये आरती यहाँ पे माता संतोषी की गाई जा रही है। इसके पश्चात दूसरी आरती होगी और स्वागत गीत गाया जाएगा। उसके पश्चात रामलीला मंचन यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। हमारे गांव की और हमारे ग्राम सभा की जो कमेटी है रामलीला कमेटी, उसकी हमेशा से एक परंपरा बनी आई है कि जितने भी हमारे ग्राम सभा के सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी बुजुर्ग गण हैं, उन सभी को यहां पर मंच में बुलाया जाता है। मंच पर बुला करके उनको सम्मानित किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लेकर के ही इस कार्यक्रम में आगे कदम रखा जाता है ताकि ये कार्य सफलतापूर्वक सम्पूर्ण हो सके। अभी आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे जितने भी हमारे गाँव के बुजुर्ग जन हैं उन सभी का यहाँ पे बैच अलंकरण करके सम्मान किया जा रहा है और जितने भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनका आशीर्वाद दिया जाता है ताकि कार्यक्रम को अच्छी तरीके से संपन्न करने के लिए शुरुआत की जा सके। रामलीला कमेटी का स्वागत करेंगे और कामनाओं के साथ हम अपने बुजुर्गों की दीर्घायु एवं स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हुए प्रोग्राम से आरती करते हैं। ये हमारी सारी कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं जो पूरी रामलीला को संचालित करते हैं, तो इन सभी का अभी यहाँ पे बैच ला करके इन सभी को सम्मानित किया जा रहा है और सबका स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही साथ में सीनियर जो बुजुर्ग माताएं हैं उनका भी यहाँ पे बैच ला करके सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि बैच पहना है। रामलीला कमेटी और अब हमारी रामलीला का मंचन यहाँ पे नाटक मंचन होने वाला है। ये पर्दा खुल चुका है, तो जब भी पर्दा खुलता है इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंचन प्रारंभ हो चुका है और जैसे ही एक्टर्स आएंगे वो यहाँ पे मंचन करेंगे और जितने भी सारे पात्र होते हैं वो सारे के सारे हमारे गाँव के ही सदस्य होते हैं, वही सारे यहाँ पे पात्र भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए इस मनमोहक भव्य रामलीला का। यह शरद ऋतु की सुहानी संध्या क्या ही छटा दिखा रही है। कोनों में कोयले सुरीली ताले छेड़ रही हैं,
बाग की क्यारी में रंग बिरंगे पुष्पों की बहार, सुगंध युक्त मलाई, अंग अंग में आनंद की तरंगे। इधर देखता हूं उधर नया जीवन आनंद है, क्या ही अच्छा हो यदि आज की रात दर्शक समाज को ऐसा नाटक दिखाया जाए जिसे देखकर दर्शकगण आनंद विभोर हो उठे। अच्छा, इसके लिए सर्वप्रथम नटी को बुलाना चाहिए। नटी, ओ नटी, दाशी को इतनी जल्दी याद करने का क्या कारण है? कौन सी नाटक की तैयारी है? आज का नाटक संसार को परम लाभदायक होगा। इस लोक में माता पिता और भक्ति भाई प्रेम पति पिता आदि की शिक्षा लेकर परम सुखदायक और परलोक में मोक्षदायक होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का नाटक गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस रामायण के अनुसार गाने की इच्छा है, जो कि श्रृंगार आदि नव रस सहित पूर्ण है। है पार्वती, ये सहित
जब रामलीला चलती है तो रामलीला के बीच में इस तरह से जोकिंग के लिए पब्लिक को बांधे रहने के लिए जोकर आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सामने जोकर आए हुए हैं, तो इनकी एक्टिविटीज को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आप भी एंजॉय कीजिए। योगा तो मुझे योगा करनी है तो नहीं आए कब आ रहा है आज शुरुआत से जरा सा एक बार बड़े प्रेम से बोले
श्याम राम चंद्र भगवान की जय, शेषा अवतार रखदलाल की जय। मंगलम मंगलम दशधरा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय पढ़ो सेवा। Oh!
अरे दोस्तों, यहाँ खून का घड़ा देखो, उस दुष्ट रावण को कहना और उसे कहना तुम्हारे नाच का समय आ गया है, जिसके राज्य में यह खून का घड़ा जाएगा उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। ऋषियों से भी करा गया, कहो राजियों इसमें क्या हो, सोना चांदी हर देने के लिए कुछ भी नहीं था, इस कारण उन्होंने अपने शरीर का खून करके रूपए दिया है और कहा है यह खून का घड़ा जिस राज्य में जाएगा उस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। नहीं, नहीं। इसे यहाँ मत रखो, इसे ले जाकर शीघ्र किसी राजा चरक की भूमि में गाड़ दो, देर ना हो, जाओ जल्दी जाओ। बचाइए,
ईश्वर की कृपा अवश्य होगी, संतान तुम्हें मिल जाएगी। जो मन बगिया मुरझाई है वह कली कली खिल जाएगी। हे राजन कुछ चिंता मत करो, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। श्रृंग ऋषि को बुलाकर एक श्रेष्ठ यज्ञ का स्थान करो, सब आनंद हो जाएगा। दो चमुना जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में संभाग हो। सामग्री एकत्र करो, मंडप में चलकर मुहूर्त में यज्ञ आरंभ करो। सुपरली हमारी प्रथम दिवस की रामलीला का यहाँ पे समापन होता है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के और भगवान लक्ष्मण जी के, भगवान भरत जी और भगवान शत्रुघ्न जी के प्रकृति तक इस लीला का मंचन हुआ और कल अन्य आगे की लीलाएं दिखाई जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रोड्यूस होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।